कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। जहां एक तरफ राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के उनके ही कद्दावर नेता उनके ही पार्टी से खफा होते नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट राजस्थान की राजनीति में किसी पहचान का तो मोहताज नहीं है। सचिन पायलट के इस वक्त बगावती तेवर दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान सरकार और कांग्रेस के लिए ये मुसीबत बनते भी नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट द्वारा अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ अनशन करने पर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भले ही चिंता में हो, लेकिन देश के कई राज्यों में कांग्रेसी नेताओं ने सचिन पायलट का समर्थन भी किया है। राजनीतिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि सचिन पायलट किसी नई पार्टी का गठन करके चुनावी मैदान में कूद सकते हैं या किसी अन्य दल के सुप्रीमो बनकर कमान संभाल सकते हैं। हालांकि सचिन पायलट ने अभी यह एहसास होने नहीं दिया है कि वो क्या करने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि आला कमान के एक्शन की परवाह किए बगैर पायलट ने अशोक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें, इस वक्त सचिन पायलट अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं। अनशन की मांग बस इतनी है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी जांच क्यों नहीं हुई। सचिन पायलट का कहना है कि जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने बैठकर चर्चा की थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच होगी, लेकिन कार्यकाल पूरा होने को आ चुका है लेकिन फिलहाल जांच क्यों नहीं हुई। बता दें, राजस्थान में चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में सचिन पायलट का गुस्सा होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें सचिन पायलट की राजनीतिक यात्रा की तो भी जान लेते हैं। वर्ष 2004 में पायलट 14वीं दौसा लोकसभा सीट के लिए चुने गए और गृह मामलों पर लोकसभा की स्थायी समिति के सदस्य बने। पायलट वर्ष 2006 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में सलाहकार समिति के सदस्य बने। उसके बाद उन्होंने साल 2009 में लोकसभा चुनाव में 76,000 मतों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी की किरण महेश्वरी को हराया था। अजमेर की सीट पर विजय प्राप्त की और सूचना एवं प्रसारण के राज्य मंत्री बने थे। साल 2012 में सचिन कॉर्पोरेट मामले के राज्य मंत्री बने और साल 2014 तक वो इसी पद पर कायम रहे। सचिन पायलट 2014 से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी बने थे। विधानसभा चुनाव 2018 में टोंक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता। 14 दिसंबर 2018 को उन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया था। सचिन पायलट ने 17 दिसंबर 2018 को राजस्थान के 5वें उप मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी। पायलट राजस्थान के 5वें डिप्टी सीएम बने थे। उससे पहले 2003 में ये पद कमला बेनीवाल के पास था। वहीं अगर बात करें सचिन पायलट के परिवार की तो सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता थे। मां रमा पायलट एक गृहिणी थी। उनकी एक बहन भी है जिसका नाम सारिका पायलट है। साल 2004 में सचिन का विवाह जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की पुत्री सारा अब्दुल्ला से हुआ था। उनके दो बेटे भी हैं, आरान पायलट और विहान पायलट। दोस्तों, आपको क्या लगता है सचिन पायलट का जो बगावती तेवर इस वक्त कांग्रेस की सरकार के खिलाफ दिखाई दे रहा है, वसुंधरा राजे की भ्रष्टाचार की जांच को लेकर दिखाई दे रहा है, उससे क्या राजस्थान की राजनीति में भी कोई अंतर दिखाई देगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।